हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापती और आज हम बात करने वाले हैं MCM के बारे में, मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, और स्पेशली जो बच्चे अपना करियर IT से रिलेटेड फील्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में अगर बनाना चाहते हो और स्पेशली मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके मतलब का। इस कोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, नाम से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। कंप्यूटर मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। IT हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, और उस सबका ओवरऑल जो मैनेजमेंट करना होता है उससे रिलेटेड ये आपको पढ़ने को और समझने को मिलने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहेगा, जो भी बच्चे IT के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस कोर्स करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो भी पहले से IT से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ रहे हैं, मान लो कि आप BCA कर रहे हो या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या फिर आप हो गया BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली स्पेशलाइज कर रखा है कंप्यूटर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ में, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। यू विल लर्न स्किल्स टू प्लान, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। समझ गए, डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस होते हैं और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डाटा मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो अभी जस्ट अगली स्लाइड पे हम बताएंगे किस किस टाइप के सब्जेक्ट वगैरह आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ जॉब्स भी मेंशन करके। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट आज के टाइम में करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट किस दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो आपको कंप्यूटर का यूज़ तो मिल ही जाता है, ठीक है। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, और आज के टाइम में ऑनलाइन इंटरनेट पर तो बहुत कुछ आ गया है, ज़्यादातर कंपनियाँ ऑनलाइन आ रही हैं, तो ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में इस करंट सिनेरियो के हिसाब से। एलिजिबिलिटी की बात करो, देखिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, बाकी कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, वेरी करता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करो तो देखो, एडमिशन डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जाम पे और मेरिट लिस्ट पे। तो आपको कॉलेज पहले चूज करना होगा कि किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन से एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट लिस्ट पे दे रहे हैं, मतलब परसेंटेज बेस पे दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना किस में आप जाना चाहते हो। फिलहाल बात करते हैं जॉब्स की, किस टाइप की आपको जॉब्स मिलेंगी। तो देखो, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ मेंशन किया ताकि आपको एक अंदाजा सा मिल जाए कि हाँ जी आपको ओवरऑल काम क्या करने को मिलेगा। तो देखो, सॉफ्टवेयर पब्लिशर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, डाटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर बन सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, कंसल्टेंसी में जा सकते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ई कॉमर्स में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है ना, उस सब में आप जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली जो बच्चे IT के फील्ड से पहले ही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ सिर्फ हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे मेंशन किए हैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो कि बेसिक भी माना जाता है। स्टार्टिंग में कोई बच्चा अगर प्रोग्रामिंग सीख रहा है, जैसे कि आप मान लो ग्रेजुएशन में जो भी BCA BTech वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जो IT की फील्ड से होंगे, उनको पता होगा कि हाँ भाई प्रोग्रामिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। फिर आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसी अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे लाइनस हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, बिजनेस एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ होगी, ASP.NET हो गया, जावा हो गया, जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, रूबी भी एक लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो गाइज, अब पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, ये बात हो गई कि पढ़ाई हो जाएगी भाई, ठीक है, लेकिन इनकम क्या बनेगी। तो इनकम देखो, मिनिमम आपकी 3 लाख पर एनम से स्टार्टिंग हो सकती है, बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो तो आपकी इनकम ज़्यादा से स्टार्टिंग हो सकती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी इंडस्ट्री में करंट में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, उनके बारे में सीखो, पूरा इंडस्ट्री में जो प्रोसेस, असल में काम जो होता है ना, उसके बारे में सीखो। बहुत सारे कॉलेज होते हैं सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दे देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पर आज के टाइम में इंडस्ट्रीज में वर्क हो रहा है उसके बारे में अगर आप जल्दी सीख लेते हो ना, तो आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है, अगर आप जॉब्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो, ठीक है। बाकी अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देखो आपकी नॉलेज अच्छी है, टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो आप खुद का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च कर सकते हो जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, या फिर बहुत सारे आइडियाज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोच पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो बाकी जो मैक्सिमम है ना, मिनिमम तो हो गया 3 लाख पर एनम, यहां से स्टार्टिंग होती है मिनिमम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख भी स्टार्ट कर सकते हो, 15 लाख भी कर सकते हो, 50 पे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है ना, कितना पैसा बनाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हमेशा मैं यही मानता हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, वहाँ जितना चाहे उतना बना सकते हो, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हो। तो गाइस, आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस कोर्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए, अगर आप स्पेशली स्टूडेंट हैं या फिर अपनी करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।